तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग एंड ट्रेडर्स में। तो गाइस, GTPL हाथवे लिमिटेड Q2 2021-22 का रिजल्ट आ गया। चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सके। चलिए बिना देरी करे सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। गाइस, जो रिजल्ट है वो मिलियंस में दिया गया है, हम इसको करोड़्स में करके बताएंगे। तो जो पहला कॉलम है उसमें हम देख सकते हैं हमें इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, सेकंड कॉलम में लास्ट क्वार्टर का और थर्ड कॉलम में लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर का। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 595.94 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 601.7 करोड़ और लास्ट ईयर था 575.6 करोड़। अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो कंपनी की इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम है वो है 605.2 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 610.6 करोड़ और लास्ट ईयर थी 584.7 करोड़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी गिरी है, पर अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस की, तो कंपनी का जो इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंस है वो है 526.2 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 535 करोड़ का और लास्ट ईयर था 514 करोड़ का। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते हैं टैक्स पे करने से पहले, मतलब कंपनी के जो जितनी इनकम हुई है माइनस टोटल एक्सपेंस, तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट्स है टैक्स पे करने से पहले वो है 66.2 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 74.9 करोड़ और लास्ट ईयर था 69.7 करोड़। अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स टैक्स पे करने के बाद, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है टैक्स पे करने के बाद वो इस क्वार्टर में 50.4 करोड़, लास्ट क्वार्टर में थे 53 करोड़ और लास्ट ईयर थे 49.9 करोड़। अगर हम कंपनी की टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो है 50.7 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 53 करोड़ और लास्ट ईयर थी 50.1 करोड़। अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में 3.83 रुपीज़ की अर्निंग्स पर शेयर है, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 4.22 रुपीज़ और लास्ट ईयर थी 4.01 रुपीज़। तो गाइस, इस बार कंपनी का जो रिजल्ट है उस थोड़ा सा पिछली बार से डाउन आया है। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट, रिजल्ट्स और डिविडेंड से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।